तो किसान भाइयों, आप लोगों ने जैसा टाइटल पर देखा, हालांकि मैंने अन्य भी वीडियो में आप लोगों को यही बात बताई है, और इस वीडियो में मैं बिल्कुल साफ 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 तौर से आपको बता दे रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, फरकाबाद से जानकारी ली, कन्नौज से जानकारी ली, आगरा से जानकारी ली, अलीगढ़ से जानकारी ली, लगभग कई जगह जानकारी ली कि बारिश में जो आलू की बुवाई हुई थी ना, उसमें लोगों का कहना है कि नुकसान, देखिए क्या होता है कि जो आलू होते हैं, आलू में बारिश जो होता है ना, थोड़ा बहुत भी अगर पड़ जाए तो नुकसान तो हो ही जाता है। हालांकि मैंने देखा हमारे यहाँ लगभग दो दिन से बारिश हो रही थी, आज ना धूप निकल आई भाई, जब धूप निकली बारिश हो रही आराम, ये मौसम जो है तुरंत शरद गर्म शरद होगा तो आलू सड़ जाएगा ना, आलू जब सड़ जाएगा तो भाई किसान भाई इसीलिए आलू बिल्कुल बेचना नहीं चाह रहे हैं। कहीं भी पता कर लिया मैंने, कोई भी कोल्ड स्टोर में आलू की बिक्री नहीं हो रही, भाव क्या बता दूँ। लोग कह रहे हैं आलू का भाव बढ़ेगा, हम भी कह रहे हैं आलू का भाव बढ़ेगा, वो इसलिए कि भाई जब आलू का नुकसान हो गया है, जो आलू गाड़े गए थे वो बोल जुत जाएंगे, मतलब जब जुत जाएंगे तो दोबारा से आलू गाड़ा जाएगा ना, जब आलू जब दोबारा गाड़ा जाएगा तब आलू तो किसान भाई के पास माना कि 1000 कट्टे थे, उसने 500 कट्टे गाड़ दिए, अब बचे 500 कट्टे, अब भाई वो तब तक इंतज़ार करेंगे ना जब तक उनका आलू जो गड़ चुका है वो अगर ख़राब नहीं होता है तो भाई उसकी वो बिक्री करेंगे, और अगर ख़राब हो जाएगा तो भाई अपना निकाल के खुद ही गाड़ेंगे ना, आगे भी तो कढ़ाई करनी है उनको। तो ये स्थिति है सभी जगह की, और आलू का जो भाव है वो कल आप लोगों को अगली वीडियो में भी मिल जाएगा, और मैं अभी भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ किसान भाई से बात कर लेते हैं कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं आलू के भविष्य के बारे में, या कैसा। दादाजी यहाँ पे बैठे हैं मेरे साथ में, दादाजी क्या नाम आपका? विनोद कुमार। दादा कहाँ से आते हो? मुड़ई। मुड़ई, ये आपका नबीगंज के पास है। अच्छा दादा ये बताइए कि आप कोल्ड स्टोर में क्या करने आए हो, आलू लेने आए हो क्या? लेने ही आए। कौन सा आलू रखा आपका? अच्छा ये जो बारिश पड़ा है इससे क्या इफेक्ट पड़ा है? आलू खराब होगा। आलू खराब हो जाएगा। आपके क्षेत्र में आलू की बुवाई हो गई थी अभी क्या? करीब 40% 40% आलू की बुवाई हो चुकी थी आपके क्षेत्र में। अच्छा कल की बारिश से क्या आलू खराब हो जाएगा या थोड़ा बहुत खराब होगा? पता नहीं, बारिश बहुत हुई, बारिश बहुत हुई थी। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आलू का भविष्य बढ़ेगा? जब आलू खराब होगा तो फिर दोबारा रखा जाए, आलू कम तो पड़ेगा। आलू कम पड़ेगा। अच्छा कोल्ड स्टोरों में कितना कितना आलू बचा होगा? कोल्ड स्टोरों की स्थिति आपको अगर अपने अनुमान से बता रहा हूँ भाई, क्लियर नहीं है, एक अनुमान शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। मैंने जहाँ तक जानकारी ली है लगभग सभी कोल्ड स्टोरों में, कोई भी कोल्ड स्टोर हो, सभी कोल्ड स्टोरों में 50-60 हज़ार कट्टे ही अधिकतम होंगे, और नहीं तो किसी किसी में कम भी हो गए होंगे। 50,000 से लेके 60,000 कट्टे तक ही बचे होंगे छिबरामऊ क्षेत्र के किसी भी कोल्ड स्टोर में। और अब क्या है, अब सभी भाइयों को समय मिल गया है, और अभी इस क्षेत्र में बुवाई लगभग 15 दिन तो आप लेट मान ही लीजिएगा। और हाँ, जो किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि अब आलू का भविष्य तो ठीक रहेगा, पर जो किसान भाई अभी आलू की फसल करेंगे ना, जो आने वाले समय में जो नया सस्त चालू होगा उसमें भी आलू का भविष्य ठीक रहने की उम्मीद बन गई है अब, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप लोग अपनी व्यवस्था देखते हुए अपने आलू की बिक्री भी कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको बेच देने में ही सही है तो आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हो भाई, और अपने हिसाब से आप लोग अपना कार्य बिल्कुल करें। तो कोल्ड स्टोरों में अभी बिक्री वगैरह नहीं हो रही भाई, तो क्या है आप लोग देख पा रहे हो अभी कोल्ड स्टोरों में बराबर निकासी हो रही है, अपनी बिक्री नहीं हो रही है। साथ में दादाजी हैं, किसान हो आप दादा? क्या करने आए हो कोल्ड में? आलू। आलू लेने आए हो? कौन सा आलू था आपका? पुखराज आलू था। तो हम देख रहे हैं कोल्ड स्टोर में बिक्री तो हो ही नहीं रही है, क्या किसान भाई आलू बेचना नहीं चाह रहे हैं? अभी बेच रहे हैं। क्या रेट बेच रहे हैं आलू? 450-450। अच्छा है, तो 500 सब दाम 700 न्यू आइलैंड बता रहे हैं। अच्छा तो क्या लग रहा है आपके हिसाब से आलू का भविष्य कैसा होगा? आप आलू महंगा रहेगा? कितना तक महंगा हो सकता है? अच्छा अच्छा, चलिए किसी दूसरे किसान भाई से भी बातचीत कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इधर हम देख पा रहे हैं अभी कोल्ड स्टोर में ना, जो आलू की निकासी वगैरह है बराबर हो रही है, इधर आप लोग देख पा रहे हो ये निकासी जो हो रही है, टोटल किसान भाई निकासी कर रहे हैं,
अभी आलू की बिक्री बिल्कुल थमी पड़ी है, क्योंकि कोई भी किसान भाई आलू को बेचना नहीं चाह रहे हैं, वो भी इसलिए कि अभी वो इंतज़ार करेंगे आलू का दाम और बढ़ेगा इसलिए।